एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू ट्रीट योर स्किन इन समर्स। सबसे बेहतरीन टॉपिक है इस समर्स में। समर स्टार्ट हो चुके हैं, अब वेदर चेंज हो रहा है, सबके फेस पे टैनिंग आ रही होगी, साथ ही साथ में फेस में ड्राइनेस, अब ऑयली भी हो रहा होगा, किसी कुछ हो रहा होगा। तो सब कुछ को भुलाते हुए बस हमें करना क्या है, बेसिक रूटीन्स को फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले जानना क्या है कि स्किन में कंसर्न होता क्या है समर्स में। फर्स्ट, टैनिंग आ जाती है। सेकंड, डलनेस आती है। थर्ड, किसी की ड्राईनेस आएगी। फोर्थ, किसी को ऑयलीनेस आएगी। फिफ्थ, किसी को दोनों होगा। और साथ साथ में एक चीज और जो कि है, स्किन के अंदर हाइड्रेशन कैसे पहुंचेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 6 पॉइंट्स से। 6 पॉइंट्स का मतलब है कि हमें हाइड्रेट कैसे करनी है स्किन। तो जितना हो सके उतना पानी पिए, पर लॉट्स ऑफ वाटर नहीं, बस इतना पानी जिससे कि आपको हाइड्रेशन बनी रहे बॉडी में, डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि हमारी बॉडी का 75% वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल हो जाती है अगर हम पानी को छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है कि एवरी 1 आवर में हाफ एन ग्लास पानी पीते रहना है, ताकि, और वो भी सिप सिप करके पीना, ये नहीं कि गट गट पी लिया। पानी हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे चेहरे पे टैनिंग से कैसे बचा जाए। टैनिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है SPF यानी सन प्रोटेक्शन क्रीम का यूज करना। सन प्रोटेक्शन क्रीम वो भी SPF 50 होनी चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं और मैं उसका लिंक अभी आपको साइड में दे दूंगा। तो D10 जो हम यूज करने वाले हैं स्किन को बचाने के लिए, SPF 50 जो होता है वो हमारे स्किन पर एक प्रोटेक्शन सील बना देता है, जो कि बेसिकली हमारे जो यूवी रेज होती है और पोल्यूशन और साथ में जो धूल के कण होते हैं वो हमारे फेस के अंदर पेनेट्रेट नहीं करते और टैनिंग हमारे फेस पे नहीं आती। सेकंड, अगर हमारे फेस में डलनेस आ जाए तो क्या करें। डलनेस और हाइड्रेशन दोनों बेसिकली एक ही पॉइंट है। अगर दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं, अगर हम पानी पीते हैं बराबर, तो हमारे फेस पे डलनेस नहीं आएगी। डलनेस थकान से भी आती है, तो बेसिकली ये ना सोचे कि सुबह से आप हार्ड वर्क करते आ रहे, शाम को आते हैं तो स्किन डल हो रही है, तो वो बेसिकली आपकी वो थकान भी हो सकती है। तो उसमें क्या करना है, फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करना है, क्रीम बेस्ड क्लींजर यूज करना है, कोई फॉमिंग क्लींजर यूज नहीं करना है। क्लींजर यूज करने के बाद में कोई भी अच्छी कंपनी का, आप रोज वाटर यूज करें, उसके 3 से 4 स्प्रे आप अपने फेस पे करें, उसके बाद में आपको स्किन हाइड्रेट लगेगी। हाइड्रेट होने के साथ स्किन ग्लोइंग होगी, डल नहीं होगी, और आपको बहुत ही अच्छा फ्रेशनिंग अंदर से महसूस होगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आप एनर्जेटिक हो गए हो। अब आगे बात, ऑयलीनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। ऑयलीनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे फेस में जो स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड होते हैं, वो अपने नियमित रूप से हमारा जो ऑयल प्रोड्यूस करता रहता है, साथ में स्वेट को भी प्रोड्यूस करता रहता है। पर अगर हम ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो उसका वो जो काम है वो रुक जाता है, फिर हमारे फेस पे एक्ने भी आता है। तो ज्यादा हमें फेस वॉश नहीं करना है। करना है तो आप कोई भी वेट वाइप यूज कर सकते हैं, जो रोज वाटर बेस्ड हो, या फिर आपको ठंडे पानी से वॉश करना है, जबकि फेस वॉश नहीं लगाना। बेसिकली हम सब क्या करते हैं, कोई भी ऐसा फेस वॉश उठा लेते हैं जो कि जेल बेस्ड होता है और उसको लगाने पे अच्छे से लेदर होता है। लेदर होने से क्या होता है कि फेस के जितना भी वाटर होता है वो वॉश आउट हो जाता है और स्किन थोड़ी देर के लिए, क्यों, कई कई लोगों में कई कई घंटों तक स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई हो जाएगी तो आपको हाइड्रेशन बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, हील नहीं करेगी, और साथ साथ हमारा जो ऑयल, जो हमारे स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड है, वो हमारे काम करना बंद कर जाएंगे। काम बंद करने की वजह से होगा क्या कि जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज हैं हमारे फेस के अंदर ही से बाहर नहीं आएंगी, जो हमारे शरीर के अंदर की इम्प्योरिटीज है वो बाहर नहीं आएंगी। बाहर की तो खैर हमने वो तो वॉश आउट कर दी, लेकिन वॉश आउट करने के बाद जो हमारे अंदर की इंटरनल जो गंदगी है वो बाहर नहीं आएगी। तो ज्यादा हमें फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए, हमें वेट वाइप्स यूज करें, या फिर आप ऑयलीनेस को कम करने के लिए ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, और फिर किसी भी कॉटन के टिश्यू पेपर से, या फिर आपको किसी भी पेपर से आपको ऐसे डैब डैब करके पूछना है, स्क्रैच करके नहीं पूछना, इससे स्किन डल होती है। तो ये भी हो गया। हमें ड्राईनेस से कैसे बचना है, स्किन ड्राई बचने के लिए, आप अगर ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई है और आपको लगता है कि आपकी गर्मी में भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो उस बेसिस में आपको अपने फेस पे कोई भी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, जो कि समर्स के बेस पे हो, सर्दियों वाला ना हो।
क्योंकि विंटर्स में जो होता है वो एक्सट्रीम हाइड्रेशन और एक्सट्रीम मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है, जो कि हमारे स्किन को, जितना भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसको ठीक करने के लिए होता है। आप समर बेस्ड का कोई भी जो समर में यूज कर सकते हैं वो मॉइस्चराइजर यूज करें जो लाइट हो। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि मेंस के लिए प्रेफर करिए, जो भी प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं बेसिकली सभी प्रोडक्ट जो लेडीज यूज करती हैं फेस के लिए मॉइस्चराइजर के लिए, वो मेंस भी यूज कर सकते हैं। स्किन सबकी सेम होती है, बस थोड़ा सा हार्ड या सॉफ्ट का मतलब होता है, पर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन सबकी सेम होती है। अब बच गया हमारे कि हमें अपनी स्किन को कैसे, अब हमारा हो गया है हाइड्रेशन का, हो गया है डलनेस का, हो गया है ड्राई का, हो गया ऑयली का, हो गया, अब हो गया कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि अब हमको करना क्या है कि हमारा हाफ एरिया ड्राई हो गया, हाफ एरिया ऑयली हो गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक क्या करना होता है, आप कोई वेट वाइप ले जो रोज वाटर ड्राइप में होगा उसको आप अपने फेस पे लगाएं, और अपना पीएच मेंटेन करने के लिए आपको पीएच बैलेंसिंग वाला कोई भी आप एक फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो कि क्रीम बेस्ड हो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्रीम बेस्ड यूज करने के लिए, क्योंकि वो सेम टाइम पे हमारे फेस को हाइड्रेट रखता है, हमारे फेस के जो वाटर लेवल को कम नहीं करता है और हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, वो उसको वहीं की वहीं सूदिंग करता है, पीएच को मेंटेन करता है। बेसिक मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप पीएच मेंटेन करने के लिए ही क्रीम बेस्ड क्लींजर का यूज करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग गाइज़।